नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 34 है और यह 27th of September 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक वाच्य का अभ्यास करेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है जो कि फर्स्ट टर्म में एग्जाम होने वाला, जो कि नवंबर और दिसंबर में है, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आपके 2-3 बनते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। वाच्य क्या होता है? सबसे पहले क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रहा है, यानी कौन कर रहा है, ठीक है, वो वाच्य कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वाच्य क्या होता है। वाच्य जो क्रिया का मेन जो है ना, मतलब करने वाला होता है, वही वाच्य किसके द्वारा हो रहा है वो वाच्य कहलाता है। देखिए, वाच्य जो है ना डियर स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतिवाच्य क्या किसे कहते हैं, यानी इसकी पहचान कर्ता की प्रधानता होती है इसमें, यानी कर्ता ही मेन होगा, ठीक है। जैसे मनु ने बच्चों को पढ़ाया, किसने पढ़ाया, तो मनु ने पढ़ाया। कौन से क्या पढ़ाया ये नहीं पता, लेकिन किसने पढ़ाया, मनु, तो मनु हमारा यानी कर्ता है और इसकी प्रधानता है, राइट। तो क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। अब देखिए, रमा गीत गाती है, कौन गाती है, रमा, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं यानी हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य देखेंगे, कर्म मीन्स कर्म की प्रधानता होती है, जैसे कि मनु द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। रमा द्वारा गीत गाया गया, यानी रमा जो है ना एक लड़की का नाम है, ठीक है, वो गाना गाई है, ठीक है, तो रमा के द्वारा गीत गाया गया, तो यहाँ पे जो है ना गीत गाया गया ये कर्मवाच्य, यानी गीत गाना उसका कर्म दिखा रहा है, ठीक है। मेरे द्वारा बाजार जाया गया, यानी मैं बाजार गया, तो इसी तरह ये कह सकते हैं ये क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होता है। अब भाववाच्य, भाववाच्य किसे कहते हैं, ये बेहद ही आसान है प्यारे स्टूडेंट। भाववाच्य यानी भाव की प्रधानता हो, यानी भाव यानी फीलिंग्स, ठीक है। क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष के अनुसार होता है, जैसे उससे हंसा ना जा सका, यानी हंसना एक क्या है, हमारी फीलिंग है, राइट, हमारी जो भाव है। और हम हंसते कब है, जब हम खुश होते हैं, जब हमें जो है ना कुछ बेनिफिट होता है। उससे गाना ना जा सका, उसे गाया ना जा सका, यानी उसे गाया ही नहीं जा सका, ठीक है, क्योंकि उसके भाव ही, यानी उसका मन नहीं रहा होगा, ठीक है, तो भाव की प्रधानता। जैसे उससे प्यार नहीं किया जा सका, यानी वो प्यार नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भाव ही नहीं, उस तरह का फीलिंग ही नहीं है, ये कह सकते हैं। उससे जाया ना गया, वो नहीं जा पाया। अब प्यारे स्टूडेंट, दी गई तालिकाओं से वाच्य की पुनरावृत्ति कर उन्हें प्रश्नों का हमें हल करना, तो ये बेहद ही आसान है और बहुत ही ईजी है। चलिए, तो हम इसमें जो है ना एक एक करके क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले बात जो है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, फिर कभी देखा जाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है, ये आपको तीन प्रकार का जो आपने वाच्य पढ़ा है इसमें आपको इसे पहचानना है। तो फिर कभी देखा जाएगा, यानी फिर कभी देखा जाएगा, तो इसमें बात क्या हो रही है, पता है आपको, इसमें बात हो रही है डियर स्टूडेंट, ये हमें भाववाच्य की, कभी देखा जाएगा, यानी उसकी भावना होगी तो भाववाच्य होगी, तो इसमें भाववाच्य होगा, ना कि इसमें कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, अब देखिए उसके द्वारा क्या किया गया, निबंध लिखा गया, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गय, इसके उसने निबंध लिखा, इसको क्या करना है, कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना, तो उसने निबंध लिखा, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली, यानी क्या किया, उछल कर डोर पकड़ ली, तो इसमें कर्मवाच्य में बदलना है, इसमें किस में बदलना है, कर्मवाच्य में, तो इसमें यह ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, गे आंसर है, यानी उनके द्वारा उछल कर डोर पकड़ ली गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे बाघ छोड़कर नहीं जड़े उड़े, यानी भाववाच्य में बदलना है, तो आप बताइए कितना अच्छा है ये भाववाच्य में। भाववाच्य में बदलने के सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा डियर स्टूडेंट, जो भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले इसमें आपका गय आंसर हो जाएगा, पहले ये समझ लीजिए। और क्यों गय होगा, क्योंकि हमें भाववाच्य इसमें भाव दिखाना, उसने बाघ छोड़कर नहीं उड़ा गया, उससे उनसे बाघ छोड़कर नहीं उड़ा गया, तो यहाँ भाव की प्रधानता हो गई, क्योंकि बाघ उसे अच्छा लग रहा होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, जो कि चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, यानी कर्मवाच्य, यानी चोट के कारण वह चल नहीं पाता है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए प्यारे स्टूडेंट। इसमें देखिए, फिर से मैं आपका आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1st का जो आंसर है आपका क्या है, दूसरा क्या आपका गय है,
तीसरा का आपका गय है, चौथा का आपका गय है और पांचवा आपका कय है। आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको बेहतर लगा। गतिविधि वाच्य को समझते हुए एक पोस्टर बनाइए और इस गतिविधि को अपने मित्र से साझा कीजिए, यानी एक पोस्टर बनाना है डियर स्टूडेंट। और डेफिनेटली आई होप कि आप लोग बनाएंगे, पोस्टर बहुत ईजी है। जिस तरह से अभी हमने भेद देखा है, इसके तीन प्रकार देखे, तीनों को आप अच्छे से एक A4 साइज पेपर लीजिए, उस पर बना दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ठीक है। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए एक से दो दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।